सुप्रीमो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का चौथा दिन और पहला मैच जो कि हुआ अर्जुन संगठन और राजेंद्र 11 के बीच, और विनिंग टीम के कैप्टन अर्जुन संगठन के हमारे साथ हैं आमिर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल्स एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये मैच जीत लिया है। तो ये बताइए कि आप जब ग्राउंड पर गए तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैच के पहले मैंने जैसे बताया था कि हमारी टीम अभी काफ़ी बैलेंस है, हम अगर 75 या उसके अभाव रन बना लेंगे तो हम आसानी से डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद में हमारे लड़के बीच में फ्लॉप हो गए, इसके कारण 55 रन हुए हमारे, लेकिन अलहमदिल्ला लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हम आसानी से जीते। अच्छा, क्या ऐसा रहा कि जैसे कि सामने वाली टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कहीं, जैसे दो ओवर जब बचे थे, क्या आपको डर था कि सामने वाली टीम जीत जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, पर कैसा ये क्रिकेट है, इसमें होते ही रहता है, और लास्ट दो बॉल तक के भी मुझे यकीन था कि हम लोग नहीं हारेंगे, और देखो मैच का रिजल्ट निकला है। क्योंकि जब सामने वाली टीम ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, इनिशियली वो अच्छे लेवल पे थे और अच्छा स्टार्ट था उनका, तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि ये 55 रन शायद कम स्कोर है इस टीम के लिए, क्योंकि एक भी रन, मतलब जब रन बनना शुरू हुए विकेट एक भी नहीं गिरा, दो तीन ओवर तक अच्छा स्कोर चल रहा था, तो वहाँ आपको क्या लगा? नहीं, थोड़ा सा असल में मेरे को भी लगा कि ये टीम जीत जाएंगी करके, क्योंकि उनके स्टार्टिंग में विकेट नहीं गिर रहे थे, पर जैसे ही पहले विकेट गिरा और उन्होंने सिंगल डबल की जो स्ट्रेटजी अपनाए, वो मेरे को लगा कि ये मैच फंसने वाला है क्योंकि हिटिंग नहीं कर रहे, और वैसे ही हुआ। वो लास्ट में दो ओवर 20 रन आया था उनको, वो नो बॉल्स की वजह से सिर्फ हमारा थोड़ा बॉलर भाग गया था, इसके कारण चलो अच्छा हुआ मैच, और पब्लिक को भी देखने में मजा आया और हमें भी खेलने मजा। बॉलर के बहकने के बाद भी आप ये मैच जीत गए, इसके लिए कॉन्ग्रेट्स। और अभी क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है आपका, तो क्वार्टर फाइनल में आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब इस मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? क्योंकि 55 रन आपने इस मैच में बनाए, अब आगे क्या चेंज करने वाले हैं स्ट्रेटेजी में? स्ट्रेटेजी में तो चेंज नहीं करेंगे, हमारा अभी भी माइंड है कि इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर 70 रन आप आराम से डिफेंड कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेंगी ये 70 के ऊपर जितना भी होता है स्कोर हम करें और सामने वाली टीम को उससे कम पे रोके। थैंक यू सो मच आमिर, कांग्रेट्स वंस अगेन, थैंक यू।